अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्वा, आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। आज हम क्या बना रहे हैं जी? आज हम बहुत ही मज़े का चिकन पुलाव बनाएंगे विथ लवली मसालाज यहाँ, ठीक है। और हम बनाएंगे चीज़ी अनियन बाइट्स, जिसके लिए मैंने पफ पेस्ट्री को यहाँ बेल के रख दिया है। और आज हम दे रहे हैं हमारे शो के थ्रू आपको हैंड ब्लेंडर इनेक्स की तरफ से जो गिफ्ट है, आपने बताना है मुझे पेशावर की कोई अच्छी सी स्पेशलिटी जो आपको पता हो, आप खाते हो, बनाते हो। आज हम पेशावर के खानों की बात कर रहे थे, मैंने सोचा चलें ये सवाल पूछते हैं। दो तीन नाम लिख के 8881 पे SMS कर लीजिएगा। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। चीज़ी अनियन बाइट्स के लिए वीव गॉट चीज़, वीव गॉट मशरूम्स, ठीक है, प्याज बहुत सारे हैं जो हम पकाएंगे बहुत मज़े का बालसामिक विनेगर में। ये काला वाला जो सिरका होता है, मक्खन है, काली मिर्चें, नमक है, थोड़ी सी चीनी जाएगी, ये लहसुन का पाउडर है, थाइम ज़रूर डालिएगा, और ये मशरूम्स हैं यहाँ, ठीक है। अब सबसे पहले वी हैव टू कुक द फिलिंग जिसके ऊपर होगा। ये पफ पेस्ट्री है, इसको ठंडा होना चाहिए। इसके ऊपर हम अंडा पूरा ब्रश कर देंगे। इसके ऊपर हम ये रखेंगे क्या कहते हैं इसका जो टॉपिंग होगा वो, और इसको हम काट लेंगे। सो स्क्वायर्स होंगे इसके, ठीक है, और फिर हम इसको बेक करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मक्खन लीजिए। ओके, जब तक मक्खन हमारा पिघल रहा है, आई एम थिंकिंग कि आई शुड मैरिनेट माय चिकन आल्सो। तो चिकन को मैरिनेट करने के लिए मेरे पास यहाँ गरम मसाला पाउडर है, वो हम डालेंगे, ठीक है, और लाल मिर्चों का पाउडर है वो डालेंगे, हल्दी और नमक। हल्दी और हाँ, मैं नमक नहीं डाल रही क्योंकि मैं यूज़ कर रही हूँ कनौर का पुलाव स्टॉक क्यूब। चिकन को ज़रा टाइम मिल जाएगा, थोड़ा सा मसाला लगे। गरम मसाला पाउडर है, लाल मिर्चों का पाउडर है, हल्दी है और अदरक लहसुन है, ठीक है। बस इसको लगा के थोड़ी देर आप छोड़ दीजिए, जब तक मैं यहाँ शुरू हो जाऊँ विथ माय अनियंस। मक्खन बहुत आप पिघलाने के लिए वेट करेंगे तो फिर मक्खन जल जाएगा। सो या तो मक्खन के साथ हमेशा तेल डालें या ऐसे करें। ओके, सो यहाँ मैंने चिकन, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी, अदरक लहसुन, ये लगा के इसको छोड़ दिया है। आप चाहें तो क्रम्बल करके आधा कनौर का पुलाव स्टॉक क्यूब इसमें भी डाल सकते हैं। मैं हम चावल बनाएंगे तब डालेंगे। सो ये हो गया। अच्छा जी, इसमें हम मक्खन डाला हमने, फिर हमने इसमें प्याज डाली, फिर इसमें हमने मशरूम्स डाले। प्याज को अच्छा सा पकाना है आपने, कैरमलाइज करना है, ठीक है। फिर इसमें लहसुन का पाउडर, नमक, काली मिर्चें, चीनी, बालसामिक विनेगर ज़रूर डालिएगा और थाइम। थाइम से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। नहीं है तो ओरिगैनो डाल दीजिएगा। 200 डिग्रीज पे मुझे अवन को सेट करना है। नॉर्मली हमेशा इट्स ऑलवेज़ 180 डिग्रीज, लेकिन खमीर की कोई चीज़ हो या पफ पेस्ट्री की कोई चीज़ हो तो हमेशा 200 डिग्रीज पे। फिलिंग जो भी बनाएं, हमेशा मैं कहती हूँ ठंडा होना चाहिए। इसको ठंडा करने के बाद चीज़ डालेंगे, फिर इसके ऊपर डालेंगे, ठीक है। अब हमारे पास टाइम नहीं है तो जितना हो सकेगा जल्दी जल्दी वील हैव टू वर्क अराउंड इट। सो हम इसमें थाइम डाल रहे हैं। अब लहसुन का पाउडर जाएगा। पफ पेस्ट्री ठंडी होनी चाहिए, ठीक है, और बहुत थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा नमक, कुटी हुई काली मिर्चें और बालसामिक। ओके, इसको हम काट लेते हैं। छोटे मुझे बनाने तो आज मैं बहुत बड़े बड़े नहीं ये काटूंगी।
पफ पेस्ट्री फ्रीज़र सेक्शन में आपको सुपरमार्केट में मिल जाती है, या वहाँ से ले लीजिए, या कोई अच्छी सी बेकरी से ले लीजिए, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। बिट्स एंड पीसेस फेंकिएगा नहीं, ठीक है? इसको मैं ज़रा इवन आउट कर दूँ। चलो लेट्स मेक स्मॉल बाइट्स। तो यहाँ इस तरह के स्मॉल करते करते भी बिग ही हो जाता है हमेशा, बट अब आप इसको ब्रश करेंगे किससे? अंडे के साथ। एजेस थोड़ी नीट कर लीजिएगा, ये तो बहुत ही छोटा बनेगा अगर होगी जगह तो, अदरवाइज वी वोंट मेक इट। अच्छा, अंडा मैं बीट कर लूँ, इसको भी देखूँ ज़रा। अच्छा जी, अब जब ये ठंडा हो जाएगा पहले मैं इसमें बालसामिक डाल दूँ। थोड़ी सी प्याज कम लग रही है, सो आई ऐड फ्रॉम माय पुलाव। मैं ब्राउन करके लाई हूँ उसके लिए। कैरमलाइज्ड अनियंस इसी तरह बना के आप अगर हॉट डॉग्स पे डालेंगे, बर्गर्स के साथ सर्व करेंगे, बहुत ही टेस्टी होंगे। बालसामिक विनेगर नहीं है तो आप बारबेक्यू सॉस भी डाल सकते हैं, बट अगर हो तो क्या ही बात है। ठीक है जी, बस इसको मैं ज़रा छोड़ देती हूँ, थोड़ा सा और कैरमलाइज हो जाएगा, फिर हम इस बोल में निकाल के इसको ठंडा करेंगे, चीज़ डालेंगे, फिर एक एक चम्मच हम इसके ऊपर रखेंगे। आई वॉज गोइंग टू ब्रिंग माई कांटा और उससे हम अंडे को अंडे के साथ पूरा आपने इसको ब्रश करना है। ठीक है, एक एज छोड़ेंगे और फिर हम फिलिंग बीच में रखेंगे, फिर इसको हम राइस करेंगे, बेक करेंगे। सिर्फ जर्दी लगानी हो जर्दी लगा दीजिए। प्याज में से बालसामिक की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, कोई सा भी फिलिंग कर सकते हैं। मैंने ये कैरमलाइज्ड अनियन और चीज़ का रखा हुआ है। अच्छा जी, अब एक चीज़ करते हैं हम, क्योंकि उसके बाद हमें ब्रेक पे जाना है, इसको देख लेते हैं। या दिस इज़ डन। इसको मैं एक बोल में निकाल के फ्रिज में जल्दी से रख दूँगी ताकि जल्दी से ठंडा हो जाएगा। उसके बाद फिर हम इन स्क्वायर्स के ऊपर एक एक चम्मच रखेंगे और ट्रे पे रख देंगे, उसको बेक कर देंगे। सो वी विल टेक अ ब्रेक। आपने बताना है पेशावर से, हमारी जो हमारा शहर है पेशावर, उसकी कोई स्पेशलिटी, कोई अच्छी सी रेसिपी का नाम। मसाला FD लिखिएगा अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर जरूर लिखिएगा। विल टेक अ ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। जी वेलकम बैक। मैं यहाँ इसको कांटे से इस तरह प्रिक कर रही हूँ। अंडे से हमने ब्रश कर दिया था, मिक्सचर ठंडा हो गया था, फ्रिज में से मैंने उसको निकाल दिया है। नाउ साइड पे बॉर्डर रखते ही हमने बीच में करना है इसको फिल, ठीक है? टॉप नॉट फिल। चीज जाएगा इसमें, सो ये चीज मिक्स कीजिए, हर चीज, चीज़ और कैरमलाइज्ड अनियंस और मशरूम्स, और कोई चीज़ डालनी हो तो चीज़ को, जब ये मिक्सचर ठंडा हो जाएगा प्लीज़ तब डालिएगा। मिक्सचर में बहुत पानी हो, या प्याज ने बहुत पानी छोड़ा हो, या मशरूम्स ने, स्पेशली अगर आपने फ्रेश यूज़ किए हैं, तो फिर आपने इसको छन्नी में डाल के छान लेना है, ठीक है? ताकि पानी वाला मिक्सचर के इस पर नहीं जाए। चलिए अब हम इसको लेते हैं और इसको मैं, अंडा तो हो गया है हर जगह, कि ज़रूरत है अगर थोड़ी सी तो वील पुट एनीवेज़।
अगेन थोड़ा सा, ताकि आराम से ये स्टिक भी हो जाए और बेक हो तो गोल्डन भी हो. ठीक है, बोथ आइडियाज़. हमारे कॉलर्स कहाँ हैं जी? सोच लूँ ना ज़रा कहाँ हैं, फिर आएंगे. चलिए अब चम्मच से उठा के ना इसको हमने बीच में रखना है, इस तरह बीच में जगह चाहिए ताकि ये राइज हो. ये छोटे बना सकते हैं इफ़ यू वांट बाइट साइज. मैंने बाइट्स लिखा है लेकिन बड़े बाइट्स हो गए हैं. सो बीच में रखिएगा, साइड में बॉर्डर रखिएगा, कुछ भी फिल कर सकते हैं, किसी तरह भी बना सकते हैं. तीन चार मैंने फ्रिज में रख दिए हैं बेस इसके पेस्ट्री के, इसलिए कि इस पर जगह नहीं थी, तो फिर जब ये हो जाएगा तब वो बेक कर लेंगे निकाल के. पफ पेस्ट्री को ठंडा होना ज़रूरी है. पफ पेस्ट्री को बहुत देर पहले से बेल के काउंटर पे छोड़ नहीं दीजिएगा. ठीक है, मक्खन उसके अंदर का जो होता है वो बिल्कुल ठंडा होना चाहिए. क्या जी? अच्छा, एक कॉलर है कराची से जी. हेलो. Hello, Assalamualaikum. Ji, Waalaikum Assalam. Yeah, Zara, this is Shruti from Karachi. Yes. I just actually wanted a request from you. Yes. I think sometime back you had made karak roti. Yeah. But I don't know which, you know, on what this is. Is it possible that you can show us the recipe again for karak roti? Karak double roti, okay, theek hai. Ji. Okay. I think I had made it called pav. You check. What is it called? Pav. P-A-A-V. Pav. Okay. Will it be on your page? Yes, it's on. On I think it's on my page. On the earlier ones. Food Diaries Recipes. The name is the name of the page is Food Diaries Recipes. Okay. Okay. All right. It's I'll on the. Try to check it's it also out. On the screen right now, if you can see, or do try the recipe at home. I will, because I think we tried the other thing. You know, I was wanted to try a pav recipe actually. Okay. But I didn't know what it was called because I think quite a while back you had made yeah, it. Yeah. 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 All right. Thank you so much. Thank you. Bye bye. Bye. चलो जी, ये हो गया onions caramelized और mushrooms and cheese puff pastry के ऊपर. दो सौ डिग्रीज पे बेक कर दीजिएगा. अब चिकन पकाने की तरफ आ जाते हैं. चिकन हमने मैरिनेट किया था. मैंने उसमें नमक नहीं डाला था, सिर्फ लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी, अदरक लहसुन का पेस्ट और क्या था, गरम मसाला पाउडर. ठीक है. अच्छा जी, सबसे पहले तेल, चिकन को फुल पकाना है हमने, फिर मैं चावल डालूँगी. जो भी तेज़पत्ता वगैरह है, यहाँ मेरे पास तेज़पत्ता है, बादियान है, छोटी इलायची है, ये सब कुछ चला गया. फिर इसमें हम डालेंगे प्याज जिसको हमें फ्राई करना है. ये बहुत टाइम लगाएगा, इस पे करते हैं. एकदम बाइट साइज एपेटाइजर के तौर पे बनाने हैं चीज़ी अनियन बाइट्स, तो बहुत छोटे छोटे 2x2 के स्क्वायर्स काटिएगा पफ पेस्ट्री के. ठीक है, प्याज सुनहरा हो जाएगा. फिर इसमें हम चिकन डालेंगे जिसको मसाला लगा के रखा हुआ है. पेशावर की फेमस रेसिपीज़ के नाम बताइए अगर आपको जीतना है हैंड ब्लेंडर. ये जो स्टिक ब्लेंडर है यहाँ इनेक्स की तरफ से गिफ्ट. मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा और 8881 पे 8881 इस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिएगा.
बहुत सारे लोग मुझे बार बार रेसिपीज़ के बारे में पूछते रहते हैं। मैं हर रोज़ बोलती हूँ कि फूड डायरीज़ रेसिपीज़ के नाम से फेसबुक का ऑफिशियल मसाला टीवी का जो हमारा पेज है उसको जाके लाइक करिए, ज्वाइन करिए। वहाँ जाके फ़ोटोज़ सेक्शन में आपको तमाम रेसिपीज़ मिल जाएंगी, अंग्रेज़ी में भी हैं, उर्दू में भी हैं, ठीक है। लोग परेशान हो जाते हैं, स्पेशली मेरे बाहर जो फैंस हैं, व्यूअर्स हैं, कि हमें नहीं उर्दू पढ़नी आती, हम कैसे करेंगे। तो देखें, रेसिपी के साथ उर्दू में है, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ सी मोर करेंगे तो वहाँ है, इंग्लिश में भी है रेसिपीज़। एक कॉलर हैं जी पेशावर से, हेलो हेलो, कहाँ हैं? कहाँ है हमारे कॉलर? हेलो जी, मुझे आवाज़ नहीं आ रही यहाँ। हेलो, सलाम किया है इन्होंने मुझे, मगर मुझे आवाज़ और कुछ नहीं, आगे आवाज़ ही नहीं आ रही। हेलो हेलो, हवेलियाँ से फातिमा है, उनसे अब बात करते हैं। आई थिंक वो ड्रॉप हो गई है लाइन उनकी। जी हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी? आप शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी हैं? ठीक है, मैं ठीक हूं। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूं, मैंने आपका आंसर देना था आज के क्वेश्चन का। जी आपने पूछा था कि कौन सी मशहूर रेसिपीज हैं पेशावर की। जी सबसे पहले तो है दम पुख, चपली कबाब और दम पुख था, और काबली पुलाव, ओके, मसाले वाली मछली और ओहो आज क्या हो गया है, लाइन कट गई थी पहले भी। एक और है कॉलर। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जरना। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं रुबीना बात कर रही हूँ कराची से। जी फरमाइए। जी जी, कल आपने बनाए थे कपकेक, बड़े ज़बरदस्त मैंने बनाए वो। बना भी दिया? अरे वाह क्या बात है जी, मेरे बेटे को बड़े पसंद आए, छोटा बेटा है 6 साल का, बहुत पसंद आए। ओके वेरी गुड, आई एम सो हैप्पी, थैंक यू जी, आपने ट्राई किया जी। और आपके सवाल का जवाब भी देना है जी। जी पेशावर का सबसे मशहूर तो चपली कबाब है, ठीक है, ये दम पुख्त है, रोगन जोश है, नमकीन गोश है, पेशावरी कढ़ाई है, ओके ठीक है, और ये बादाम पिस्ते अखरोट ये तो बहुत ही मशहूर है वहाँ के। क्या? ये नट्स वगैरह तो बहुत ही मशहूर है वहाँ के। अच्छा ठीक है, ओके जी, और पेशावरी कढ़ाई है, चपली कबाब है। ओके ठीक है, नोट कर दिया है जवाब जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ओके अल्लाह हाफिज़ जी। अच्छा जी, इसमें अब हम थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर डालेंगे, जस्ट अ लिटिल बिट, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट भी बच गया था, उसको वेस्ट क्यों कर देते हैं, ये भी डाल देते हैं। हरी मिर्चें मैं बाद में डालूंगी, और मैं इसमें दही डाल देना चाह रही हूँ ताकि ये साथ साथ चिकन के पक जाए, सब कुछ अच्छी तरह मिक्स हो के, और फिर जब थोड़ा सा स्टॉक बाकी रहेगा तो हम उसमें फिर डालेंगे चावल। अच्छा एक चीज़ हम कर लेते हैं, कनौर का पुलाव स्टॉक क्यूब जो है वो एक मैं डाल देती हूँ अभी, इसी के साथ पकता जाए, ठीक है। और ब्रेक की तरफ भी फिर हमें चलना है, स्टिक ब्लेंडर इनेक्स की तरफ से किस किस को जीतना है 8881 पे मुझे बताएंगे सही जवाब पेशावर की फेमस रेसिपीज़ के नाम। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर जरूर लिखिएगा। विल टेक अ ब्रेक। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं फूड डायरीज, और यहाँ मैं चिकन को ज़रा टर्न शर्न करती रहती हूँ, पक जाएगी चिकन, फिर देखेंगे कितना स्टॉक इसमें बाकी है। पानी अगर पूरा एवेपरेट हो जाएगा तो ऑब्वियसली वी नीड वाटर, तो फिर हम उसके लिए पानी डालेंगे और, ठीक है। चावल को भिगो के रख दीजिएगा, चिकन को पहले पका लीजिएगा। अगर आपने आधी चिकन पकी हुई होगी और चावल डाल दिए, चावल जल्दी पक जाएंगे, फिर क्या होगा, चावल बहुत मशी हो जाएंगे, हलवा बन जाएगा। चावल को के ग्रेन्स को, दानों को सेपरेट रखने के लिए थोड़ा सा लेमन जूस हम डालते हैं। अच्छा यहाँ अगर आप दिखाएंगे सो ये देखें, बीच में का फिलिंग आपको नज़र आ रहा है, बबल हो रहा है, साइड से ब्राउन हो रहा है, पफ पेस्ट्री राइज हो रही है, ये
बाइट साइज स्नैक्स के लिए बहुत अच्छा रहता है। कोई भी आप इसमें चीज़ ऊपर टॉपिंग कर सकते, एनीथिंग, चिकन का हो, प्लेन हो, इस तरह का मशरूम का हो, कुछ भी, ठीक है, चीज़ का हो, दो तीन चीज़ मिक्स करके, एनीथिंग यू लाइक। अब हम इसमें थोड़ा सा लेमन जूस डाल देंगे। चिकन को मुझे चेक करना है, व्हेन इट इज़ डन तब फिर मैं उसमें डालूँगी। ये ज़रा मैं जी दादू से हमारी कॉलर हैं। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक, आपके सामने। जी फरमाइए। जनक जी आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। मेरी आवाज़ कम आ रही है? अरे मैं तो इतना ज़ोर ज़ोर से बोलती हूँ। जी और आप कैसी हैं? आपका शो बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, इसी तरह शो देखते रहिएगा। सवाल का जवाब दूंगी। जी जी जरूर। चकली कबाब, नमकीन गोश्त, दम गोश्त, पिशावरी कढ़ाई, पिशावरी मीठी रबड़ी। ओके ठीक है, नोट कर दिया है। जी शुक्रिया, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। चिकन में मैंने थोड़ा स्टॉक डाला था इसलिए कि पानी सूख रहा था, चिकन को पकाना है, फिर जब स्टॉक थोड़ा सा पाकी हो हम तब चावल डालेंगे। चावल को दोबारा ज़रा अच्छी तरह मैं धो लेती हूँ और पानी उसका फेंक देती हूँ, ठीक है। चावल डालें, सब कुछ आप अच्छी तरह बहुत सारे पानी में धोया करें। वो ओवर बेक नहीं करिएगा, ठीक है, इसमें उसको निकाल दूंगी व्हेन इट्स डन। सेवन से एक और कॉलर हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ जी, आप सुनाएं। ये आपका शो मुझे बहुत पसंद है मैडम, मैंने आपकी रेसिपी ट्राई की, मैंगो चिकन। अच्छा मैंगो चिकन, वो तो मैंने पिछले साल बनाई थी जी, बहुत अच्छा बना। थैंक यू, सवाल का जवाब दूंगा। जी जरूर। पिशावरी कढ़ाई, पिशावरी नमकीन गोश्त, पिशावरी चकरी कबाब, पिशावरी चरगा। ओके ठीक है, ठीक है, नोट कर दिया है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ठीक है, इस तरह इसमें सूप होना चाहिए और फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। हमने कनौर का चिकन सूप स्टॉक क्यूब डाला है और चिकन, सॉरी, मैंने कनौर का पुलाव स्टॉक क्यूब डाला है, चिकन सूप स्टॉक क्यूब भी है इनका, दूसरी रेसिपीज़ में हम वो डालते हैं। पुलाव बना रहे हैं तो ऑब्वियसली पुलाव का डालेंगे। अब मैं इसमें चावल भी डालना चाह रही हूँ, ठीक है, तो फिर हमारे पास भी टाइम कम होगा, फिर मुझे इसको दम पे भी रखना है। सो या चावल डाल देते हैं और इसको निकाल देते हैं। पफ पेस्ट्री जब भी मैं बनाती हूँ हमेशा मैं एक चीज़ कहती हूँ, ओवर बेक नहीं किया करें, कच्ची नहीं रहेगी ये, ठीक है। आप लोग बहुत ज़्यादा ब्राउन हर चीज़ हो जाए तब तक बेक करते रहते हैं, करते रहते हैं, पिज़्ज़ा का डो भी आप लोग इसी तरह हार्ड कर देते हैं। और दूसरी बात ये है कि इसके साइड्स पे वैसे भी हमने अंडा लगाया था तो ये ब्राउन तो हो जाएंगी, साइडों पे हमेशा खाली रखते हैं। पफ पेस्ट्री को राइज होने के लिए जगह चाहिए और अगर आपने उसके पर जो हैं, लेयर्स जो हैं, उस पर ज़रा सा भी अंडा लग जाएगा साइड में तो वो राइज नहीं होगा, आप समझ रहे हैं, ठीक है, वो ग्लू की तरह चिपक जाएगा। सो साइड्स पे कभी भी नहीं लगना चाहिए अंडा, हमेशा सिर्फ ऊपर लगना चाहिए कोई भी चीज़ हो तो ही वो अच्छा राइज होता है। बस आई जस्ट वांट टू रिमूव दिस बिकॉज फिर क्या होगा कि हमारा फिलिंग बहुत ज़्यादा बर्न हो जाएगा। सो दिस इज़ डन, इसको मैं बस बंद कर देती हूँ और इसमें हम चावल डाल देते हैं। एक कॉलर हैं जी मुल्तान से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बहुत अच्छी है, और आप सुनाएं कैसी हैं? खैरियत से हैं जी? आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ जी, थैंक यू सो मच। और मुझे जवाब देना था जी, बोलें। पेशावरी चर्सी टिक्के होते हैं? पेशावरी रेसिपीज पूछी है मैंने जी। जी जी, पेशावरी, पेशावर के चर्सी टिक्के और नमकीन मंदी, चप्पल कबाब, पेशावरी रबड़ी और सीख कबाब, पेशावर के सबसे फेमस यही होते हैं। चिकन के जो वो बीफ के जो चप्पल कबाब होते हैं वो ज़्यादा फेमस हैं, बाकी तो मज़ीद आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, ओके ठीक है, नोट कर दिया है जवाब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। चावल इस
स्प्रेड कर दीजिएगा, इसको पकने दीजिए, फिर इसको दम पे रखेंगे और डेकोरेट करेंगे हम। लंबाई में कटी हुई अदरक, हरा धनिया, प्याज है ब्राउन की हुई और हरी मिर्चें, वट एवर यू लाइक। अच्छा, उसको हटा के जाली पे रख देते हैं। अगर आपने फ़ौरन खाने हो तो फिर आप फ़ौरन खा लीजिएगा। ये देखें, क्रंची एंड क्रिस्पी। साइडों से आप देख सकते हैं कि ये जो पर हैं, जो लेयर्स हैं इसके पफ पेस्ट्री के, वो राइज हुए हैं। फॉर एग्जांपल ये बड़ा वाला जो है उस पर आप अगर देखें, कैन यू सी दिस, ये लेयर्स, मैं इसकी बात कर रही थी कि अगर आप उसको ज़्यादा अंडा लगा देंगे, साइडों पे अंडा ड्रिप होगा तो वो बिल्कुल भी राइज नहीं होंगे। अच्छा जी, मेरे कानों में किसकी आवाज़ आ रही है, कोई कॉलर है? अच्छा जी, हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मिसेज इमरान नेमन फ्रॉम हैदराबाद से बात कर रही हूँ। जी फरमाइए। मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगी। जी, पिशावरी शीर खुरमा, पिशावरी गोश, पिशावरी नमकीन रोटी, पिशावरी चरगा। ओके ओके, ठीक है, नोट कर दिया है। पिशावरी रबड़ी। ओके ठीक है, थैंक यू जी, नोट कर दिया है। अच्छा, अगर आप एपेटाइज़र के लिए बना रहे हैं छोटे वाले, तो आई थिंक दिस वन इज़ द बेस्ट साइज़ छोटे वाले, ठीक है। ये मैंने बहुत बड़े बड़े बना लिए हैं, लेकिन बाइट्स, इफ़ यू आर मेकिंग बाइट्स एज द नेम सजेस्ट, तो फिर छोटे बाइट्स बनाइएगा। ओके, आई थिंक वी शुड टेक अ ब्रेक, बिकॉज हमारे पुलाव हमारा हो रहा है। यहाँ मैं इसको बस ठंडा कर रही हूँ, फिर हम जाली पे से हटा के रखेंगे प्लेटर पे। फौरन नहीं रख देते हैं, वो सौगी हो जाती है चीज़ें, ठीक है। सो नीचे से भी मैं आपको दिखा दूँ, ऐसे होना चाहिए, देखें नीचे से, ठीक है, ब्राउन होना चाहिए, जला हुआ नहीं होना चाहिए और हल्का बिल्कुल लाइट होगा। चलिए, विल टेक अ ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। चीज़ी अनियन बाइट्स दिखाइए, वहाँ टेबल पे हमने निकाल दिए हैं। पुलाव इज ऑल्सो रेडी। नीचे ना तवा रख दूँ, ठीक है, बस That's it. So, इसी तरह बनाइएगा। ये जो ऊपर प्याज है और चीज़ है और मशरूम्स हैं, ये कैरमलाइज्ड हैं और बालसामिक विनेगर में है, इसलिए इसका रंग ऐसे जल नहीं गए, ठीक है। बहुत मज़ेदार है, प्याज का टेस्ट उभर के निकलता है जब आप उसमें बारबेक्यू सॉस या बालसामिक विनेगर वगैरह डालें। सो बना के ज़रूर ट्राई करिएगा। मैंने किस तरह इसका टॉपिंग बनाया था, मैं आप झटपट रीकैप कर दूँ। आप मक्खन लीजिएगा, पीला वाला मक्खन मैंने लिया था, ठीक है। आप चाहें तो उसमें थोड़ा सा तेल भी डालिएगा ताकि मक्खन जल ना जाए। मशरूम स्लाइस में काट के डालिएगा, प्याज डालिएगा, थाइम, थोड़ी सी चीनी, नमक, काली मिर्चें, लहसुन का पाउडर ज़रूर डालिएगा, कम डालते हैं, बहुत स्ट्रांग होता है, और बालसामिक विनेगर डालिएगा। नहीं हो बालसामिक विनेगर, ये वही वाला काला वाला सिरका है जो ऑलिव ऑयल के साथ आपको ब्रेड बास्केट के साथ मिलता है, कहीं आप बाहर खाना खाने जाते हैं, ब्रेड को डिप करके खाते हैं उसमें फिर, ठीक है। नहीं हो तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा बारबेक्यू सॉस डाल दीजिएगा। और फिर जब ये पक गया सब कुछ, अच्छी तरह ब्राउन हो गए प्याज, मशरूम्स में से उनका पानी निकल गया, सब कुछ सूख गया, तो फिर मैंने इसको ठंडा कर दिया। फिर मैंने इसमें ग्रेटेड चीज़ डाल दी, चेडर, मोजरेला, कोई सी भी चीज़ आप ग्रेट करके डाल दीजिएगा और फिर आप उसको ठंडा करिएगा। अगर इसमें बहुत ज़्यादा पानी हो, छान लीजिएगा, ठीक है। पफ पेस्ट्री को बेलिएगा, बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए, बहुत घंटे पहले से निकाल के फ्रिज में से रखिएगा नहीं, बिकॉज गर्मी है तो बहुत ज़्यादा वो चिपक चिपक भी होगी और मक्खन उसका अंदर का पिघलने लग जाएगा, फिर मज़ा नहीं आएगा। तो उसके बाद फिर आप उसके ऊपर पूरा ब्रश कर दीजिएगा, एक अदद अंडा प्रिक कर दीजिएगा कांटे से, इस तरह के स्क्वायर या रेक्टेंगल के पीसेज या और इससे भी छोटे पीसेज में काटिएगा। फिर एक एक चमचा फिलिंग रखिएगा, साइडों को खाली रखिएगा और उसके बाद आप इसको 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे बेक कर दीजिएगा। 5 से 7 मिनट बेक करके देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, राइज हुई है पफ पेस्ट्री, बस निकाल दीजिएगा, सर्व कर दीजिएगा। टमेटो की चटनी के साथ ही बहुत अच्छा रहता है, प्लेन ऑन इट्स ओन भी बहुत अच्छा रहता है। ओके, चिकन के पुलाव के लिए मैंने क्या किया था, चिकन को मैरिनेट करके रख दीजिएगा, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी, अदरक, लहसुन का पेस्ट, थोड़ी देर छोड़ दीजिएगा, ओवरनाइट भी रख सकते हैं, क्लिंग लगा के बोल में या फिर किसी एयरटाइट डब्बे में। आप जब पकाने लगें तो तेल गरम करिएगा, उसमें आप तेज़पत्ता और ये छोटी वाली इलायची, लौंग, दालचीनी का पाउडर मैंने डाला है, हरी मिर्चें डाली हैं, बादियान डाला है स्लाइस
प्याज डाले उसको फ्राई कीजिएगा, फिर चिकन को हमने डाल दिया था और मैंने पुलाव का क्यूब डाला था, कनौर का पुलाव स्टॉक क्यूब, और फिर पानी डालिएगा, दही डालिएगा, अच्छी तरह उसको पकने दीजिएगा, फिर जब चिकन हो जाए तो चावल उसमें शामिल कर दीजिएगा, ठीक है। और चावल जब हो जाएंगे तो हरा धनिया, हरी मिर्चें हैं, अदरक लंबाई में कटी हुई है और लेमन के स्लाइसेस हैं, ब्राउन प्याज है, ये सब कुछ हम डालेंगे और उसको हम गार्निश कर देंगे। सो आर रेसिपीज़ आर डन, दोनों रेसिपीज़ मेरी हो गई हैं, ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग पुलाव बनाते वक्त चावल में बहुत सारा पानी रखते हैं, उससे फिर वो बहुत नरम हो जाते हैं, एज समबडी हैड कॉल्ड दैट पुलाव कि चावल का हलवा बन जाता है। एक कॉलर है मंडी बहाउद्दीन से, मुझे आवाज़ आ रही थी जी। हेलो, हेलो जी, क्या हाल है? मुझे पहले तो आप टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए, मुझे अपनी आवाज़ आ रही है, लाइन कट जाएगी। जी मुझे आपके क्वेश्चन का आंसर करने। जी जी बोले। पेशावर की फेमस रेसिपीज के नाम जल्दी से बताइए। चपली कबाब, काबली पुलाव, पेशावरी कबाब, पेशावरी चरगा। ओके ठीक है, थैंक यू जी, नोट कर दिया है। अच्छा चलें रेसिपी रिकैप की तरफ चलें अब हम, क्योंकि चावल तो बस अब दम पे हैं, ज़रा सिमर करेंगे हम, दम पे रखते हैं, पहले तेज़ आंच रखते हैं, नीचे तवा रखते हैं, फिर जब आपको नज़र आए कि यहाँ ऊपर पानी आ गया है, सिमर हो रहे हैं, तो फिर आंच कम कर दीजिएगा, नीचे लग ना जाए। अच्छी नॉनस्टिक डिश होगी आपकी, पैन होगा तो नीचे नहीं लगेगा, ठीक है। और तेल नहीं डालिएगा ऊपर से, कुछ भी नहीं डालिएगा, पानी वानी कुछ नहीं डालिएगा, जस्ट लेट दिस कुक। चावल में जो कसर रह जाती है वो इसी दम पे पक जाएगा। चीज़ी अनियन बाइट्स आर रेडी। मैं लेती हूँ छोटी सी ब्रेक, अभी भी वक्त है अगर आपको जीतना है। ये स्टिक ब्लेंडर, हैंड ब्लेंडर जो है इनिक्स की तरफ से बहुत काम आएगा आपको किचन में। जल्दी से 8881 पे SMS करिए और बताइए मुझे सही जवाब, पेशावरी फेमस रेसिपीज़ के नाम, ठीक है। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। थोड़ा सा ब्राउन प्याज डाल देते हैं एंड वील जस्ट मिक्स इट इन टुगेदर। और ये चिकन पुलाव आप निकाल दीजिए, पुलाव क्यूब हमने डाला था इसमें कनौर का, ठीक है। तब आप बिल्कुल इसमें नमक नहीं शामिल करिएगा, दाल सब्ज़ी चिकन की रेसिपीज़, गोश्त की रेसिपीज़, हर चीज़ में आप डाल सकते हैं। फिर आप इसको डेकोरेट कर दीजिए विथ ऑल द थिंग्स दैट यू वांट टू पुट ऑन टॉप, जैसे ये हरा धनिया है, लंबाई में कटी अदरक है, और क्या है मेरे पास, हरी मिर्चें हैं, वॉट एवर यू वांट। कुछ ना कुछ मुख्तलिफ किया करें हमेशा व्हेन यू आर डेकोरेटिंग योर गार्निशिंग योर प्लेटर। और कुछ हरी मिर्चें रख दें, और क्या कर सकते हैं, अदरक थोड़ी सी रख दें इस तरह, मेक इट नाइस एंड कलरफुल, ठीक है जी। और वहाँ चलते हैं, चीज़ी अनियन बाइट्स हमारे रेडी हैं। और फातिमा ने हवेलियाँ एबटाबाद से जीता है ये स्टिक ब्लेंडर इनेक्स की तरफ से जो है लज्जत में, आज 5 बजे लाइव देगी। आलू गोश्त कंधारी टिक्का मसाला बनेगा, कल मैं बना रही हूँ फूड डायरीज़ में 3:30 बजे लाइव। आपको पता है पीर से जुमा मंडे टू फ्राइडे हमारा शो लाइव है, दोपहर में 3:30 से 4:30 और रात में 12 बजे शो रिपीट होता है। तेरियाकी स्क्वर्स हैं, चॉकलेट स्वर्ल, बनाना ब्रेड है। सो रेसिपीज़ ट्राई करिएगा, हमें ज्वाइन करिएगा लाइव कल, और इसी तरह हमारा साथ देते रहिएगा। रेसिपीज़ ये ज़रूर ट्राई करिएगा, ठीक है। बहुत आसान है, सिंपल हैं, वही चीज़ें हैं जो आपके घर में होती हैं, बस कुछ ना कुछ डिफरेंट डिफरेंट बनाते रहिए। चलिए जी, अब दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त, जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।